हरियाणा में आखिर इंतजार की घड़ी खत्म हो गई। 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे आने लगे हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वाति वर्मा, आप देख रहे हैं पब्लिकेशन न्यूज। हैट्रिक के साथ हरियाणा में एक बार फिर खिला कमल। शुरुआती रुझानों में जहां कांग्रेस आगे चल रही थी, वहीं बीजेपी ने एक बार फिर हैट्रिक मारकर हरियाणा में फिर कमल खिला दिया है। शुरुआती रुझानों में जहां कांग्रेस आगे चल रही थी, वहीं अब बीजेपी अन्य दलों से आगे चल रही थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे इस बार बेहद चौंकाने वाले रहे। बीजेपी हरियाणा में जीत का परचम लहराते हुए एक और कीर्तिमान बनाने की तैयारी में है। हरियाणा में इस बार युवा, दलित, किसान जैसे मुद्दे हावी रहे। एग्जिट पोल से लेकर शुरुआती 100 मिनटों के रुझानों तक कांग्रेस यहां दौड़ में आगे दिख रही थी, लेकिन बाद में समीकरण बदल गया और रुझानों में भाजपा बहुमत के आंकड़े को पार कर गई। दरअसल हरियाणा में कोई भी पार्टी लगातार तीसरी बार चुनाव नहीं जीत पाई है। ऐसे में अगर बीजेपी जीत दर्ज करती है तो ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। हालांकि शनिवार को वोटिंग के तुरंत बाद आए एग्जिट पोल में जहां बीजेपी को निराशा का मुंह देखना पड़ा, वहीं कांग्रेस के लिए ये एग्जिट पोल काफी सकारात्मक रहे। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लाडवा सीट से जीत दर्ज की है। सैनी ने कांग्रेस के मौजूदा विधायक मेवा सिंह को हराया है। आपको बता दें कि इस साल वसंत में बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटाकर ओबीसी समुदाय से आने वाले नायब सिंह सैनी को हरियाणा का सीएम बनाया था। सैनी को सीएम बनाना बीजेपी के लिए बेहद फायदेमंद साबित हुआ। खास बात यह है कि इस चुनाव में हिसार, पंचकुला, गढ़ी सांपला, अंबाला, छावनी, जुलाना और लाडवा सीट पर दिलचस्प मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। हरियाणा की जनता ने आपको खाता तक नहीं खोलने दिया। साथ ही चुनाव में पूरे चौटाला परिवार को हरियाणा की जनता ने नकार दिया है। अंततः कमल ने एक बार फिर बाजी मार हरियाणा में ताज को कर लिया है अपने साथ। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पब्लिकेशन न्यूज़।